Hi guys, this is Gaurav Chakraborty. I am back with my graphics tone in Sony Sky channel. इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है और साथ ही में कुछ फोटोशॉप इफेक्ट्स भी। और हाँ, ये मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ पेंट टूल, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा इमेज जिसका हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। इसका रेजोल्यूशन चेक कर लेते 240 है, इसको कर लेते 300। कलर मोड हम रखेंगे 8GB, क्योंकि ये मैं पेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पी फॉर पेंट टूल। और अब हम इसका इमेज काटेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड तोड़िए या फिर कंट्रोल जे करके कॉपी बना लीजिए। अब इसे बड़ा कीजिए और पेंट टूल को इस्तेमाल करके इसे काटिए। देखिए आराम से काट जाएगी। कर्व बनाने के लिए बस पेन टूल के उस हिस्से को खींचिए जिससे आपने आखिरी वाला पॉइंट लिया था, विदाउट लेफ्ट छोड़। लेफ्ट छोड़ने के बाद ऑल दे जाइए और फिर बाहर से दोबारा खींचिए, तो ये कर्व तैयार हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम रीडू कर लेते हैं, आई मीन अनडू। ऑल दबाइए। पेंट टूल आपका इस्तेमाल हर तरीके से आसान कर सकता है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें आपको लोगो डिजाइनिंग बोले, बैनर बोले, होर्डिंग बोलिए, ब्रोशर बोलिए, रिप्लेट बोलिए, कुछ भी, पेंट टूल का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टूल है जो शायद आपको हर तरह के इस्तेमाल में आना होगा, ये लगेगा ही लगेगा। और साथ ही में आपके किसी और सॉफ्टवेयर में भी पेंट टूल होता ही है, प्रीमियर बोलिए, इलस्ट्रेटर बोलिए, कोरल बोलिए, हर जगह में पेन टूल तो आम बात है। ये मैंने एरो की से किया, जितना बारीक आप काटोगे उतना ही अच्छा आएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह इसे काटना होगा। लगभग हमारा ये तैयार है काट के। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे फिर। देखिए ये लगभग हो ही गया है। डिटेल्स का ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए हमारा ये कवर हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, मेक्स सिलेक्शन, फेदर को जीरो रखेंगे, फेदर रेडियस, यहाँ से हम ये वाला कोई भी टूल ले लेंगे और फिर रिफाइंड एज करेंगे। इसका मतलब है हम इसके एरिया को ठीक करेंगे। रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं, स्मूथनेस थोड़ा बढ़ा देंगे, फेदर कम, फेदर इतना ही रखेंगे, स्मूथनेस थोड़ा सा और कम कर सकते हैं हम। देखिए ठीक है, कंट्रोल जे से इसका कॉपी हो गया लेयर। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड लाएंगे, फिर हम लाएंगे इसका बैकग्राउंड। इस वाले बैकग्राउंड में हम इसको सेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसे कर देंगे हम 300। इस लेयर को हम विंडोज में ले आएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे, बड़ा कर दीजिए। कंट्रोल टी फॉर सिलेक्ट कीजिए इसको, देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। रेगुलेशन को बोल्ड करेंगे, इसका रंग करेंगे सफेद, द
होटल। इस बार लेयर को हम कॉपी करेंगे या आप इसको पेस्ट करेंगे, ऊपर वाले में हम इसको पेस्ट ही करेंगे। देखिए द होटल मैन कितने अच्छे है, ये बैकग्राउंड तैयार हो गया चेंज होकर अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह पेंट टूल के जरिए किसी का भी बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कर देंगे या कर सकते हैं। अब हम कुछ फोटो इफेक्ट देखेंगे, यहाँ से हम जैसे हम रहेंगे एक पिक्सल टूल इलेक्ट टूल, इसका रंग हम बदल देंगे अलग लेयर में बदलेंगे जरूर। अंडू कीजिए, अब हम कुछ इफेक्ट देखते हैं। यह देखिए फिल्टर में जाइए, जैसे ब्लर है ब्रश स्ट्रोक से, इसके जरिए हम इनके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें इसको बूंद बढ़ा सकते हैं, रेडियस को हम बढ़ा सकते हैं, या ब्लर में जाइए शार्पन ब्लर में जाइए शार्पन एज, कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये पिक्सल क्रिएट है। हम यहाँ जा सकते हैं एक्सक्यूट, इसको हम कर देंगे 50, इसको हम कर देंगे 60। देखा कितने अच्छे से तैयार हो गया इसका इफेक्ट, ये वाला हम यहाँ कर सकते हैं एक्सक्यूट, इसको हम करेंगे 30, इसको कर देंगे हम 70। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से तैयार हो रहा है। अनशार्प मार्क्स यहाँ जाएंगे, फिर से जाएंगे हम शार्पन या फिर स्टाइलर्स में जा सकते हैं, टाइल्स इसको हम कर देंगे मैक्सिमम 40%। देख रहे हैं ना कितने अच्छे तैयार हो रहे, ऐसे ही हम इन्हें देखिए इनसे हम अलग अलग इफेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। और भी है बहुत सारे स्टाइलस एम्बूस, देख रहे हैं ना एम्बूस, एम्बूस का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। और भी है स्टाइलस एक सूट हो गया, फाइन डेज ऐसे आ जाता है, फाइन डेज फिर स्टाइलस टेक्सचर ग्रीन, देखिए ना कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। हम इन्हें इफेक्ट कमा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। यह भी है ब्लैक एंड व्हाइट भी है, कैसे कर देते हैं यहाँ जाएंगे, इसको हम कर देंगे 150, चैनल टू में रखेंगे हम 290, इसको कर देंगे 145 है, हम इसको कर देंगे 55। तो ये ऐसा और भी है फिर, क्योंकि इफेक्ट तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ बेसिक दिखा रहा हूँ आपको। हम जाएंगे ये स्टाइलेज ग्लोइंग एज, हम ये और भी ला सकते हैं शार्पन सॉरी स्टाइलेज ट्विस्ट।
लोअर और अपर जा जाइए रेंडर क्लाउड जा जाइए स्टाइलस विंड विंड में स्टेजेस आते हैं प्लस स्ट्रेच फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट फिल्टर स्टाइलस विंड स्पीड वाले इफेक्ट्स में आते हैं। नॉइज में जाके आप नॉइज ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मीडियन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इसे बड़ा कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, मतलब ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है। नॉइज में जाएंगे, इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा देख लो, इसको थ्रेशोल्ड को बढ़ा दोगे, इसको कमा दोगे, या थ्रेशोल्ड और इसको दोनों को ही बड़ा कमा दोगे तो इनका इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिल्टर में जाइए, आपके पास और भी है ब्रश स्ट्रोक से फिल्टर इफेक्ट्स को अक्सर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी हैं, अदर कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे कि हाई पास, मैक्सिमम भी है, सब डिजिट से अंडू कर दीजिए। आर्टिस्टिक में बहुत सारे हैं जैसे कि यहाँ पे है कलर फ्लैग पेंसिल और भी है आर्टिस्टिक्स, दूसरा है कट आउट फिल्म ड्राइंग आर्टिस्टिक फेसिको नियॉन ग्लो तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है जो आप इससे आप या फिल्टर्स में जाकर आराम से देख सकते हो। जैसे कि एक्सट्रैक्ट भी एक है, ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक्सट्रैक्ट बटन है, आप इसे यहाँ से बड़ा से छोटा कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट्स की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की से छोटा होता है और क्लोजिंग की से बड़ा होता है। अगर मैं इसके ऐसा कर दूं और फिर बाकी का कलर इसका रंग चेंज हो जाता है। ओके कर दो, देखो एक्सट्रैक्ट
देखो तो इस तरह हम एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कुछ नए ग्राफिक्स एलिमेंट्स जो प्रोफेशनली लगते हैं। ये दिखाना जरूर इसलिए था क्योंकि आपको ये जानना पड़ता है कि अगले वाले वीडियो में क्या होने वाला है, उसमें हम बैकग्राउंड रिमूविंग के जरिए ये करेंगे। तो पहले से आप ये संभाल ले समझ लेंगे तो इसीलिए आसानी होगा आपको, इसीलिए हमने ये वाला वीडियो बनाया, ये कुछ एफेक्ट आपको दिखाए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका कोई कंप्लेंट भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।